एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। राजकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण क्षेत्र केंद्र में बुधवार को एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दोपहर करीब 4 बजे यहां की दीवार गिरने लगी। दीवार गिरने के बाद यहां मौजूद अन्य लोग घबरा गए। इस दौरान यहां सामने की टाइल्स गिर गई। दूसरी तरफ एक महिला छात्रावास छात्राओं में भी डर का माहौल बना हुआ है। दीवार ढहने के बाद यहां मौजूद सभी तुरंत हट गए। सभी ने भगवान को याद किया और खेल मनाया। इधर दीवार के गिरने के पीछे निर्माण में ही कमजोरी दिखाई दे रही है। दीवार है, ये पिछली बारिश में लगभग 6-7 दिन पहले टूट गई थी और टूटने के बाद हमने सबसे पहले पीएमओ साहब को और जो हेल्थ मैनेजर है यहाँ के उनको अवगत कराया था। तो वो एक दिन अवगत कराने के बाद 4-5 दिन हो गए, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ इसमें। सुधार नहीं होने के बाद फिर हम जो कल गुरुवार को हमें जो फिर पीएमओ साहब के पास गए, पीएमओ साहब ने वहीं से जो हमारे सामने है जो इसके जो एएन जेएन है एक्सएन है उनको फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद एएन और एक्सएन यहाँ पे आकर के देख करके इसको गए भी। देखने के बाद उन्होंने मेरे से ये कहा कि भाई हमारे पास इसका इस तरह से कोई बजट नहीं आता है, तो वो तो मना कर गए। पीएमओ अपने कोई मद से इसको ठीक कराए। उसके बाद ये परसों बारिश आई है, फिर वापिस। राजस्थान धौसा से दीपक सैनिक।